डोकलाम में भारत के एक्शन से बौखलाए चीन ने फिर अलापा कश्मीर राग। कश्मीर का मुद्दा उठाने के पीछे चीन की आखिर कौन सी चाल है? डोकलाम को लेकर सिक्किम में चीन और भारत के बीच तनाव लगातार जारी है। भारत को उकसाने के लिए चीन लगातार बयानबाजी भी कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने कश्मीर मुद्दे को अपना मोहरा बनाते हुए कहा है कि वहां के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जैंग शुआंग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दक्षिणी एशिया के अहम देश हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास टकराव जारी है। इससे न सिर्फ दोनों देशों की बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को नुकसान होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें आशा है कि दोनों पक्ष इलाके में तनाव कम करने, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ और जरूरी कदम उठाएंगे। इसके साथ ही जेंग शुआंग ने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने में चीन रचनात्मक भूमिका निभाने का इच्छुक है। दरअसल भारत शुरू से ही कश्मीर को आंतरिक मामला बताकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की किसी भी कोशिश को खारिज करता रहा है। ऐसे में चीन का ये बयान भारत को चिढ़ाने के मकसद से ही दिया गया लगता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले हाल ही में चीनी थिंक टैंक ने भी कहा था कि जिस तरह सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में भारतीय सेना भूटान के कहने पर चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के कहने पर तीसरा देश कश्मीर में भी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि भारत चीन और भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम पर चीन अपना दावा कर रहा है, जबकि भारत और भूटान का कहना है कि यह हिस्सा भूटान का है। माना जा रहा है कि भारत के दखल के चलते डोकलाम में सड़क निर्माण करने के अपने मंसूबे में चीन कामयाब नहीं हो पाया और यही वजह है कि वो भारत को लगातार धमकी दे रहा है और उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।